की बहुत पौराणिक परंपरा है, ये पूर्वजों से आती चली आ रही है और इसको हम लोग सूर्य भगवान की छठिहारी के रूप में पूजा करते हैं और बहुत धूमधाम से, पुरानी परंपरा है इसको सब लोग मनाते हैं। यूपी बिहार का बहुत फेमस ये है, सबसे पहले बिहार में होता था, उसके बाद बिहार का बॉर्डर सटा रहता है यूपी में, इसलिए यूपी वाले भी मनाते हैं, उसके बाद से ये प्रचलित हो गया तो इसको सब लोग करने लग गए। आज जो परंपरा, आज जो आप पूजा जैसे मनाए रहे हैं, किस तरह का आपका प्रस्तुति रहा, कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। व्रत करने के बाद आदमी पूजा पाठ में बहुत ध्यान हो के, मतलब बहुत खुशी से संतुष्ट हो के ये पूजा करता है। कैसे शुरुआत होता है? ये सूर्य भगवान का छठी दिन होता है, दिवाली का दिन उनका जन्म होता है और जब वो पैदा होते हैं तो पृथ्वी पर बहुत कोप रहता है, मतलब जैसे में तेज रहता है, प्रकाश रहता है, उस प्रकाश को कम करने के लिए उनकी पूजा की जाती है और अर्चना की जाती है, इसलिए उनको खुश करने के लिए सारी वस्तुएं अर्पित की जाती है। अर्पित करने के बाद उनका आराधना किया जाता है छठिहार के दिन, हे प्रभु अब आप थोड़ा सा अपना कोप कम करिए, ये जो पृथ्वी पर जो लोग हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। मनाया जाता है, ठेकुआ बनता है, सब फल फूल सब लेकर के आदमी छठ माई को लगे आता है। ये और किस तरह से कितना दिन का ये पर्व है, थोड़ा सा पर्व का विस्तार से बोलिए। पर्व का पर्व का मतलब एक तो खरना होता है, एक तो बड़ी वाली छठ होता है, एक तो अर्घा होता है, तीन दिन होता है। मैं गौतम कानन बेसिकली बिहार से वैशाली जिला हाजीपुर का रहने वाला हूँ। ये जो आज छठ पर्व मनाया जा रहा है वो कैसा, क्या है उसका परंपरा और कैसे मनाया जाता है? ये छठ महापर्व है हम लोग के, छठी मैया का, ये हम लोग का 4 दिवसीय पूरा पर्व है और पहला दिन उसका नहाय खाय से स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है और दूसरा दिन खरना होता है, जो व्रती होती है संध्या में शाम में उसमें मुख्य प्रसाद के रूप में रोटी और खीर के रूप में उसको ग्रहण करती है, उस समय से उनका उपवास शुरुआत हो जाता है। उसके बाद तीसरा दिन आज जो है उस दिन सूर्य को उतरते सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद कल सुबह चौथा दिन सूर्योदय के समय समापन होगा उगते हुए सूरज के साथ।